हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो वी आर बैक विद द डेली करंट अफेयर्स। सो सॉरी गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, बट मैंने जैसा बोला है कि ये लेक्चर लेट हो सकता है बट पर डे आपको मिलेगा। मैंने वोकैब का लेक्चर इससे पहले ही डाल दिया है और मैंने उस लेक्चर में बोला था कि करंट अफेयर्स का लेक्चर थोड़ा सा लेट होगा। मैंने कल केवीएस का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया प्रीवियस ईयर का, मैंने उसमें भी बताया था कि ये केवीएस के लिए भी कितना जरूरी करंट अफेयर्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है। तो आज का जो करंट अफेयर्स होगा वो 10th ऑफ अगस्त का होगा। ये 10th ऑफ अगस्त बस बोलने के लिए है क्योंकि इसमें मैं 9th ऑफ अगस्त भी कवर करूंगा, सैटरडे का फुल डे कवर करूंगा, संडे का फुल डे का लेक्चर इसमें मैं कवर करूंगा। कोरोना के केस में यूएसए टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील उसके पीछे और इंडिया तीसरे नंबर पे बना हुआ है। टोटल डिसीज हो गए हैं इंडिया में 42,000, यानी 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना वायरस के कारण। महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है 5 लाख से ज्यादा केस के साथ। तमिलनाडु सेकंड पे 2.96 लाख, यानी अराउंड 3 लाख के केस के साथ। आंध्र प्रदेश थर्ड पे बना हुआ है 2.27 लाख केस के साथ। ये एक न्यूज है, काफी दुखद न्यूज है, 10 लोगों की मौत हो गई विजयवाड़ा में, जो कि एक होटल को बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर, वहां 10 लोग रह रहे थे, वहां किसी कारण बस आग लग गई और 10 लोगों की मौत हो गई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 आइटम्स के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। इस न्यूज को हम लोग देखेंगे आगे चल के। इडुक्की में जो लैंडस्लाइड हुई थी केरला में, वहां मरने वालों की संख्या 43 तक पहुंच चुकी है। मैंने सैटरडे को बताया था कि ये 18 था, अब ये 43 तक पहुंच चुकी है। 4 बीजेपी के लीडर ने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है कश्मीर में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। सीएसएफ टू प्रोव आर यू इंडियन, ये तमिलनाडु का एक केस है जहां सीएसएफ के एक जवान ने एक लड़की को बोल दिया कि आर यू एन इंडियन, क्योंकि वो हिंदी भाषा नहीं जान रही थी। उसने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आइदर आप तमिल में बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो, तो इस पे उन्होंने बोल दिया था आर यू एन इंडियन। तो इस पे सीएसएफ के हेड ने बोला गया है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेवेंट नहीं लगता है मुझे। यहाँ पे 50 मंकियों को पार करने के लिए उसका, चूंकि पूरे जगह में पानी भर चुकी है, बाढ़ से पूरा तबाह हो चुका है, 50 मंकियों का एक ग्रुप है जिसको पार जाना था, उसके लिए काफी इंतजाम किए गए। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। चलते हैं अपने न्यूज की ओर। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कहा है कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि 200 करोड़ से ज्यादा का होगा, उसमें फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यानी कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया पे जोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत पे जोर दिया जा रहा है। इन्होंने साफ बोल दिया कि हम लोग इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर को हेल्प करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि अराउंड 52,000 करोड़ आइटम जो है इस बार सिर्फ इंडियन कंपनी से खरीदी जाएगी। यानी कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के ऊपर सरकार का ये कदम चल रहा है, चाहे वो जो भी मिनिस्ट्री हो, सारी मिनिस्ट्री उसको फॉलो कर रही है। CIT लॉन्चेज चाइना क्विट इंडिया कैंपेन, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CIT ने चाइना क्विट इंडिया कैंपेन छोड़ा है, स्टार्ट किया है। ये चाइना क्विट इंडिया कैंपेन क्या है? ये कैंपेन कहता है कि चाइना के चीजों को बंद करो। चाइना का जो हमारे देश में बहुत ज्यादा एक बोल सकते हैं ना घुसपैठिए जैसा काम हो रहा है कि चाइना का पूरा सामान हमारे मार्केट में पूरी तरह से फैल गया है, उसके यूज को रोको, चाइना को ज्यादा से ज्यादा मार्केट इंडिया में फैलाने ना दो, वही है ये चाइना क्विट इंडिया कैंपेन। ये क्लियर हो गया, इसके बारे में ज्यादा कुछ न्यूज है नहीं, बस आप थोड़ा सा देख सकते हो CIT के बारे में, एक बार देख लेते हैं CIT के बारे में। इसका फुल फॉर्म वहां पे दिया हुआ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या होता है ना कि सेलर्स और बायर्स एक जगह मिलते हैं। ये एक ट्रेड यूनियन टाइप का है जिसको कि 1990 में डेडिकेटेड ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया था। ईयर याद रखिएगा, 1990 में डेडिकेटेड ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है आपका व्यापार भवन दिल्ली में। ये थोड़ा सा स्टैटिक जानकारी आप रख लीजिएगा। ये जनरली जो है इंडिया के ट्रेडर्स एसोसिएशन से रिलेटेड है, इन्होंने ही चाइना क्विट इंडिया कैंपेन को स्टार्ट किया है। ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव न्यूज है, कुछ ज्यादा मतलब आप लोग डरे नहीं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से।
तो उसी को, उसी एक स्टिग्मा को इसने तोड़ा है। ये स्टिग्मा थी कि 60 साल से ज्यादा लोगों को अगर कोरोना हो जाए और साथ ही साथ कोई और बीमारी रहे तो उनका बचना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि नागालैंड का एक कपल है जो कि 93 ईयर्स और उनकी वाइफ 79 ईयर यानी अराउंड 80 ईयर्स की थी, और उसमें से हस्बैंड को था आर्थराइटिस और वाइफ को थी डायबिटीज। यानी कि आर्थराइटिस डायबिटीज की बीमारी होते हुए भी 93 साल और 80 साल की उम्र में भी उन्होंने कोविड-19 को बीट कर दिया और फाइनल टेस्ट रिजल्ट में वो लोग कोविड-19 के निगेटिव रिजल्ट पाए गए, यानी कि उन्होंने कोविड-19 को हरा दिया। तो ये एक बस न्यूज है आप लोगों के लिए कि ज्यादा घबराए नहीं, अगर कोरोना किसी को हो भी जाए तो ज्यादातर चांस है कि वो सही सलामत उससे बचकर निकल ही जाएंगे अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें। तो चलिए, जब नागालैंड का बात आ गया तो नागालैंड को हम लोग मैप में देख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं नागालैंड की। ये रहा नागालैंड हमारा, नेबरिंग स्टेट असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये है हमारा इंडिया का 3 नेबरिंग स्टेट नागालैंड का। यहाँ की फोक डांस है बम्बो, जैलिंग, रांगमा, चेंगलो। चूंकि वहां ज्यादातर जो है मेरी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है तो सारी डांस लगभग ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। गवर्नर है आरएन रवि, सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड 16th स्टेट ऑफ इंडिया था जिसे बनाया गया था 1 दिसंबर 1963 में, और यहाँ की 17% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर से ही आती है। और एक चीज याद रखिएगा, ऐसी इकलौती स्टेट है इंडिया में जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ये भी काफी अच्छा न्यूज है क्योंकि तेलंगाना का जो न्यू सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका डिजाइन जो है पूरा टेम्पल आर्ट से लिया गया है। और किस किस टेम्पल से लिया गया है, ये है नीलकंठेश्वरा टेम्पल, हनुमान टेम्पल एट सलंगपुर, वनपार्थी एंड थाउजेंड पिलर्स टेम्पल एट हनमकोंडा। तो यहाँ पर से थोड़ा सा एक न्यूज रिलेवेंट हो जाता है आपके लिए कि ये सब टेम्पल कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि ये नीलकंठेश्वर टेम्पल कहाँ है, ये तो तेलंगाना में ही है। दूसरा है कहाँ गया ये, हाँ ये हनुमान टेम्पल एट सलंगपुर, ये गुजरात में है। वनपार्थी भी आपका तेलंगाना में है। उसके बाद फिर ये थाउजेंड पिलर टेम्पल जो हनमकोंडा में है, ये भी आपका तेलंगाना में ही है, वारंगल तेलंगाना में ही है। यानी कि तेलंगाना का जो न्यू सेक्रेटरिएट बनेगा, सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका डिजाइन इन सब मंदिरों से लिया गया है, और वो सारा डिजाइन जो है आपके सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा। और ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा कुछ रिलेवेंट नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हो कि ये सब मंदिर कहाँ कहाँ है, किस किस स्टेट में ये है। अब जब तेलंगाना की बात आ गई है तो मैप में देख लेते हैं तेलंगाना को। ये रहा हमारा तेलंगाना, नेबरिंग स्टेट कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा तेलंगाना को टच नहीं करती है, ये बात याद रखिएगा, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आंध्र प्रदेश, ये है नेबरिंग स्टेट। फोक डांस है लंबाड़ी जो कि आपकी तेलंगाना और आंध्रा दोनों की फोक डांस है। यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। गवर्नर का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सीएम है के चंद्रशेखर राव। और कुछ जानकारी अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो 2 जून 2014 को ये स्टेट आंध्र प्रदेश से टूट के बना है, ये भी याद रखिएगा कब ये स्टेट बना है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूटकर। एक और न्यूज है ये भी तेलंगाना और आंध्रा से ही रिलेटेड है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन शेयर ऑफ कृष्णा वाटर, यानी कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसे तो इसमें काफी स्टेट है बट यहाँ पर जो इस आर्टिकल में मेरा जिक्र हो रहा है वो हो रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेकर। तो ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके बैकग्राउंड में हम लोग जाकर देख लेते हैं कि कृष्णा रिवर जो डिस्प्यूट है ये क्या है। तो सबसे पहले कृष्णा रिवर को देख लेते हैं। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होती है और जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में। इस बीच में वो कवर करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब डिस्प्यूट इसका जो चले आ रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, आज से नहीं, ये काफी डिकेड्स पुराना ये डिस्प्यूट है। पहले ये डिस्प्यूट चल रहा था हैदराबाद एंड मैसूर स्टेट के बीच, और बाद में ये डिस्प्यूट हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बीच। और जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो इसमें एक नाम और जुड़ गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक ट्राइब्यूनल का ऑलरेडी गठन किया जा चुका है जिसका नाम है द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जो कि 1969 में ही गठित किया जा चुका है। आप सोच सकते हो कि यह डिस्प्यूट कितना पुराना है, जो कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत इसे बनाया गया था।
इसने अपना एक रिपोर्ट 1973 में दिया, दूसरा रिपोर्ट 1976 में दिया, लेकिन चूंकि आपको पता है जब भी वाटर डिस्प्यूट होता है इसका रिजल्ट इतना आसानी से नहीं आता है। चाहे आप जान, आपको न्यूज के बारे में पता होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है हमारे तमिलनाडु और कर्नाटका में, ये आप देख सकते हैं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, पहले तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक में थी तो ज्यादा इशू नहीं था, अब ये दोनों अलग हो चुकी है तो इन दोनों के बीच भी इशू हो गया। तो वही तेलंगाना के मिनिस्टर ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश को सब चीज में सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशन भी अच्छा बनाएंगे, बट अगर बात कृष्णा रिवर के वाटर को लेकर आएगी तो वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यहां पर एक न्यूज है थोड़ा सा कि हमारे एक्स जो एनएसए चीफ है यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अभी तो अजीत डोवाल जी हैं, ये हमारे एक्स थे, एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे शिवशंकर मेनन, इनके द्वारा कहा गया कि अमेरिका को इन्वॉल्व करना सही नहीं है हमारे कॉन्टिनेंटल वार में, जो कि हमारे इंडिया और चाइना के बीच जो वार हो रहा है, चाहे वो जैसा भी वार है एलएसी में, इसे अमेरिका को इन्वॉल्व करना सही नहीं है, क्योंकि आप लोग अमेरिका की कंडीशन को जानते हो, वो अफगानिस्तान से अपने सैनिक को वापस ले जा रहा है, उसने बोला था कि तालिबान को पूरी तरह से अफगानिस्तान से खत्म कर देगा, बट उसने कोई भी अपने वादे को पूरा नहीं किया, और अब वो धीरे धीरे बोल रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार खुद में बैठकर बात कर लो और मामला को समझा लो और मेरे ट्रूप्स को यहां से जाने दो। इनफैक्ट ये तालिबान ने जब बोला कि मुझे अफगानिस्तान की सरकार से बात नहीं करना है तो अमेरिका इसके लिए भी रेडी हो गया, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करा दी और उसमें भी अफगानिस्तान के ही सरकार को नहीं बुलाया गया, यानी कि तालिबान को ही वहां का सरकार अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बुला लिया गया, ऐसा स्थिति चल रहा है अमेरिका का। तो वही हमारे शिवशंकर मेनन जी का कहना है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता और हमारे किसी भी अपने पर्सनल इशू में नेबरिंग स्टेट के साथ कॉन्टिनेंटल वार को नहीं छेड़ सकते वो अमेरिका, और इधर एशिया में आकर इस चीज को हम लोग नहीं कर सकते, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग क्वाड ग्रुप पर भी काम कर सकते हैं, इन्होंने क्वाड ग्रुप के काम पे भी सजेशन दिया है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वाड ग्रुप एक है ग्रुप जिसका चार मेंबर है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्री मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया था। इसका मेन काम जो था इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, बट ऐसा बोला जाता था कि ये चारों मिलकर चाइना को इंडियन ओशियन में टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना जो अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहा है इंडियन ओशियन में उसको टैकल करने के लिए ये चार देश एक दूसरे के साथ मिले थे। बट जब इन चारों से पूछा गया था कि क्वाड ग्रुप का क्या मेन काम है, तिन्होंने बोला था कि इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड के चार मेंबर कौन कौन से हैं, इसका मेन एम क्या है। तो अगर ऑफिशियली आपको दिया जाए कि चाइना को टैकल करने के लिए, तो ये एम आप नहीं देंगे, क्योंकि चाइना को टैकल करना इसका ऑफिशियल एम नहीं है, बट अनऑफिशियल एम ऐसा है कि चाइना को इसको टैकल करना है। तो यहां से ये न्यूज निकलता था हमारा कि क्वाड ग्रुप क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, ये भी काफी अच्छा न्यूज है, खालिस्तान ग्रुप से रिलेटेड न्यूज है। खालिस्तान, जो जो लोग पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि खालिस्तान क्या है। उससे पहले हम एक बुक का नाम देख लेते हैं, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन, इसे एक जर्नलिस्ट के द्वारा लिखा गया जिसका नाम था यतीश यादव, एक ये यंग जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इस बुक को किसने ऑथर किया, यतीश यादव ने ऑथर किया। अब हम लोग देखते हैं रॉ क्या है। रॉ एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है इंडिया की, इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था। उससे पहले ऑलरेडी एक सिक्योरिटी सर्विसेज थी हमारे देश में जिसको आईबी बोलते हैं, यानी कि ये इंडिया की सेकेंड सिक्योरिटी सर्विसेज थी जिसको बनाया गया था 1968 में। ईयर याद रखेंगे, 1968 में रॉ को बनाया गया था इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसका मेन काम क्या था, फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करना, टेररिज्म को काउंटर करना, हमारे पॉलिसी मेकर को अच्छी अच्छी सूचनाएं देना, विदेशी सूचनाएं देना, इंटेलिजेंस की सूचनाएं देना, ये इसका मेन काम है। तो ये बुक जो है खालिस्तान ग्रुप के से रिलेटेड लिखा गया है, खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड लिखा गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट क्या है। तो खालिस्तान मूवमेंट क्या कहता है ना, कि सिख पीपल लोगों का, कुछ एक सिख पीपल लोगों का डिमांड है कि इंडियन पंजाब, ये रहा इंडियन पंजाब, ये रहा पाकिस्तानी पंजाब, इसको मिलाकर एक अलग देश बना दिया जाए और जिसका नाम रखा जाए खालिस्तान। यही है खालिस्तान मूवमेंट, ये सिख का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है।
खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ द खालसा, ये कंसिस्ट करता है इंडियन पंजाब को और पाकिस्तानियन पंजाब को। इसका आवाज सबसे पहले उठा था आजादी से भी पहले 1940 में, जब बट 1917 और 1980 के बीच ही एकदम अपने चरम सीमा में पहुंच गया था, जिसको इंदिरा गांधी सरकार ने काफी अच्छी तरीके से टैकल किया था। उसी चक्कर में हमारी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को मार भी दिया गया उनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा। और ये सब जो पार्ट था मेरा खालिस्तान मूवमेंट का ही था कि उसी टाइम इंडिया पीएम की, हमारे उस टाइम के पीएम इंदिरा गांधी, बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 पे बॉम्बिंग हुआ जिसमें 329 पैसेंजर को मार दिया गया। ये सब था खालिस्तान मूवमेंट के टाइम पे ही, जिस टाइम ये काफी अपने चरम सीमा पर था। तो आप लोग याद रख सकते हैं खालिस्तान कहाँ कहाँ से किस किस एरिया को कंसिडर किया जाता है खालिस्तान में, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानियन पंजाब में। इस बुक में काफी कुछ दिया हुआ है कि काफी सारे देश के द्वारा भी इसे सपोर्ट किया जा रहा है, काफी सारे देश के द्वारा जो खालिस्तानियन टेररिस्ट हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट ही मानता है क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ में रहता है, वो इंडिया के एक पार्ट को अलग करना चाहता है, काफी सारी कंट्रियां उन्हें सपोर्ट करती है। तो जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस बुक को जाके पढ़ सकते हैं। इंडिया ने एक बार पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को फिर से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था इंडियस वाटर ट्रीटी पे डिस्कशन करने के लिए, तो पाकिस्तान ने इंडिया ने फेस टू फेस डिस्कशन के लिए मना कर दिया। इंडिया ऐसे भी बोलती है कि अब बात नहीं होगी, जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगी तब तक बात नहीं होगी, इंडिया अब इस थ्योरी को फॉलो कर रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है पहले वो देख लेते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना रिलेवेंट नहीं है। हाँ, लास्ट बार इस दोनों कंट्रियों के बीच मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, जो कि इस्लामाबाद में हुई थी, उसके बाद आज तक इन दोनों कंट्री के बीच कुछ भी मीटिंग नहीं हुई है। हालांकि ऑफिशियल का कहना है कि ये डिसीजन लिया गया कोविड-19 के कारण, चूंकि मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन है, अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं किए जा सकती, पेंडेमिक बहुत ज्यादा बुरी तरह से आगे बढ़ते जा रही है, फैलते जा रही है, इसलिए अभी हम लोग कोई भी मीटिंग करने के मूड में नहीं है। चलिए देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, इतिहास का काफी अच्छा ये टॉपिक है। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसका में ब्रोकरिंग का काम करता है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ब्रोकरिंग का काम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ये है कि इंडस रिवर में जो वाटर अवेलेबल है और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, वही हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। ये साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और अयूब खान, जो कि सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा याद रखिएगा, अयूब खान कौन थे, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इस ट्रीटी के तहत ब्यास, रवि, सतलज, इस तीन रिवर का कंट्रोल जो है आपको इंडिया को मिलता है, जिसका 33 मिलियन एकड़ फीट इंडिया को मिलेगा एनुअल फ्लो। बाकी तीन रिवर इंडस, चेनाब, झेलम, जिसका 80 मिलियन एकड़ फीट जो कंट्रोल मिलेगा वो पाकिस्तान को मिलेगा। यही हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। अब थोड़ा सा मैप में भी इसको देख लेते हैं। ब्यास देखिए, यहां पर नदी है, ये है ब्यास, रवि, सतलज, इस तीनों का कंट्रोल इंडिया के पास रहेगा, जिसमें से इंडिया को मिलेगा 33 मिलियन एकर फीट ऑफ वाटर एनुअल फ्लो। बाकी तीन नदी, झेलम, चेनाब, इंडस, यही तीन नदी है, इंडस, चेनाब, झेलम, इस तीनों का कंट्रोल जो है पाकिस्तान के अंदर रहेगा, जिसके अंदर वाटर जाएगा 80 मिलियन एकड़ फीट। ये मैं आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं, ये सारी नदियां मिलकर बनाती है इंडस वाटर, इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज पूछी जाए तो 6 ट्रिब्यूटरीज हो गई, इंडस, चेनाब, झेलम, रवि, सतलज, ब्यास, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। श्रीलंका के नए पीएम ने वहां की शपथ ग्रहण किया, और वो नए पीएम कौन बने, महिंदा राजपक्षे। कल ही बता दिया गया था कि 225 में से 145 सीट इनकी पार्टी ने जीत कर वहां पे सरकार बनाई। तो जब हम यहाँ देखी गए, चलिए थोड़ा सा श्रीलंका की सैर कर लेते हैं, काफी दिनों से आप लोगों को मैंने सैर नहीं कराया। ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसमें छोटा सा ये लटका हुआ कंट्री है ना, यही है हमारा श्रीलंका, हमारी नेबरिंग कंट्री है, काफी अच्छे रिलेशन है हमारे यहाँ से, हमारे बहुत सारे तमिल भाई यहाँ पे रहते हैं। ये रहा श्रीलंका, मैप में आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका को, श्रीलंका का देखिए मैंने सैर करा दिया। अब चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। यहाँ से अंडमान एंड निकोबार काफी नजदीक है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, यहाँ रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार,
जहां पोर्ट ब्लेयर पे कुछ होने वाला है आज किसी चीज का उद्घाटन, वो हम आगे चल के बताते हैं। सबमरीन केबल का कुछ उद्घाटन होने वाला है पोर्ट ब्लेयर पे, तो वो आगे मैं न्यूज में डिस्कस करूंगा। अभी ये मॉरिशस जापान की एक सीप थी जो कि मॉरिशस से होके गुजर रही थी और वहां पे ऑयल स्पिल हो गया, जिसके लिए जापान की अथॉरिटी ने मॉरिशस के सरकार से माफी भी मांगी है। तो ये ऑयल स्पिल का जो घटना है ना, दिन प्रतिदिन और बढ़ते ही जा रहा है और इसके कारण काफी ज्यादा इकोसिस्टम को परेशानी होती है। मैरीन इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है इसके कारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज की ओर। ये है, आपको पता है इस लॉकडाउन में लूडो सबसे ज्यादा फेमस गेम बन चुका है, उसके बाद कैरम। इस दो गेम की प्रसिद्धता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस बार अर्जुना अवार्ड में भी कैरम प्लेयर्स के नाम को नॉमिनेट किया गया है। लास्ट बार कैरम में अर्जुन अवार्ड मिला था 1996 में, जिनका नाम था मारिया इरुडायम्स। ये नाम था 1996 में जिनको अर्जुना अवार्ड दिया गया था कैरम के क्षेत्र में। उसके बाद से आज तक किसी को अर्जुना अवार्ड नहीं मिला है। हालांकि इस बार 5 लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया, अपने एप्लीकेशन भेजे हैं। अब एक बार इनका प्राइज मिल जाने दीजिए, अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि किसको कौन सा अवार्ड मिला। ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। इन्होंने ट्रेड कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के सपने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को सपोर्ट किया जाए, भारत को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद की जाए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के भी नारे को दिया है। वोकल फॉर लोकल नारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि मेड इन इंडिया। इसका मतलब होता है बी इंडियन बाय इंडियन, यानी कि इंडियन बनो और भारतीय चीज ही खरीदो, बाहरी चीजों को कम से कम खरीदो, आयात पे डिपेंडेंसी अपना कम करो, यही हमारा वोकल फॉर लोकल का मेन उद्देश्य, यानी कि मेड इन इंडिया। इसको सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं, मेड इन इंडिया। ये एक न्यूज है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में दूसरा रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, और वो कहां उद्घाटन किया गया, हुब्बाली में, जो कि हमारा कर्नाटका स्टेट में। ये नॉर्थ कर्नाटका का पहला और साउथ वेस्टर्न रेलवे का दूसरा रेल म्यूजियम है। तो पहला रेल म्यूजियम फिर कहाँ है, तो पहला रेल म्यूजियम है मैसूर में, याद रखिएगा ये चीज। साउथ वेस्टर्न रेलवे में दो रेल म्यूजियम है, कहाँ कहाँ है, एक है मैसूर में, दूसरा है कर्नाटका में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पीयूष गोयल जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। उन्होंने ये भी इस दौरान बोला है कि सारे रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड की जाएगी और 100% ग्रीन बनाई जाएगी, यानी कि फ्यूल पे उनकी डिपेंडेंसी कम की जाएगी, सारे ट्रेनों को इलेक्ट्रिफाइड की जाएगी। और ये म्यूजियम जो बना है, इसमें देखने लायक क्या क्या चीजें, थिएटर कोच, सुरुचि कैफेटेरिया, टॉय ट्रेन, मेमोरिबिलिया शॉप, टिकट प्रिंटिंग मशीन, मॉडल ट्रेन रन, चिल्ड्रंस एक्टिविटी रूम, ये सब इस म्यूजियम की पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। हेल्थ मिनिस्टर लॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स इन पॉपुलराइजिंग ई संजीवनी, यानी ई संजीवनी को पॉपुलर करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेट्स की काफी बढ़ाई की है, उनको प्रेज किया है। अब ये जानेंगे कि ये ई संजीवनी क्या है। आप लोग अगर इस कोरोना काल में अगर कहीं डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, डॉक्टर आपको टच नहीं करते हैं, डॉक्टर आपके सामने नहीं बैठेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे आपको, या तो व्हाट्सअप कॉल करने बोलेंगे या कुछ और कॉल बोलने करने बोलेंगे। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो बल, जबकि ये ई पेज संजीवनी ओपीडी क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ई संजीवनी ओपीडी है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन सिस्टम, जो कि टोटली फ्री है। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो वो व्हाट्सअप कॉल करेगा, डुओ कॉल करेगा, ये कॉल करके आपको देखेगा, लेकिन ई संजीवनी ओपीडी ये टोटली फ्री कंसल्टेशन है। इसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, टोकन ले सकते हो, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, और फाइनली आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा वो भी ऑनलाइन ही मिलेगा। और अगर आपने आज टोकन जनरेट किया है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने उसे उस दिन यूज नहीं किया तो उस दिन के अंत तक ये ऐसे भी एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हमारा ई संजीवनी ओपीडी, यहाँ से ही एक न्यूज था रिलेवेंट कि ई संजीवनी ओपीडी क्या है। इनके द्वारा बताया गया कि 23 स्टेट्स को ने ऑलरेडी ई संजीवनी ओपीडी को इम्प्लीमेंट कर लिया है, यानी कि 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के पास ई संजीवनी ओपीडी का एक्सेस अब हो चुका है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1,00,000 करोड़ रुपीज अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके तहत एग्रीकल्चर में बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो आपका फार्मर्स ग्रुप हो, एग्रीटेक प्लेयर्स हो या फिर एग्री एंटरप्रेनर्स हो, इन लोगों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से फंड दिए जाएंगे जो कि वो ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में तरक्की कर सके। इसमें टोटल फंड कितना है, 1,00,000 करोड़ रुपीज का फंड है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी 2,280 फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज को दे दिया गया। यानी 30 दिन पहले ही इसको स्कीम को अप्रूव किया गया और 30 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपया डिसबर्स भी कर दिया गया फार्मर्स के अकाउंट में। फार्मर्स के अकाउंट में नहीं, ये सोसाइटीज बेस्ड दिया जाता है, पर्सनली किसी फार्मर को नहीं दिया जाता है। और साथ ही साथ 6 इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने इशू कर दिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, जिसके तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे। उसका 6 इंस्टॉलमेंट भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इशू कर दिया है, जो कि टोटल 17,000 करोड़ रुपीज था, जो कि 8.5 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में पहुंचेगा। तो ये यहाँ पे न्यूज था कि टोटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड कितना है, 1,00,000 करोड़ है। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया, 1,000 करोड़ रुपया दिया गया 2,280 फार्मर्स को, ये पहला सेंक्शन किया गया इस फंड से। दूसरा न्यूज क्या था, 6 इंस्टॉलमेंट कितने करोड़ रुपीज का दिया गया, 17,000 करोड़ रुपीज का। ये नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है, बट किसी भी एग्जाम में अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसको आप रेलिवेंट मान सकते हो। पीएम मोदी ने स्वच्छता केंद्र की घोषणा की, इनॉग्रेशन किया दिल्ली में, और उन्होंने, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, वीक लॉन्ग कैंपेन टू फ्री इंडिया ऑफ गार्बेज, यानी भारत को गार्बेज फ्री करने के लिए एक वीक का लंबा कैंपेन चलाया है, जो कि आज से यानी कि मंडे से लेके 15 अगस्त तक। मंडे आज कितना तारीख होगी आपका, 9 से लेके 15 अगस्त तक का ये एक वीक का लंबा कैंपेन चलाया टू मेक फ्री इंडिया गार्बेज। ये न्यूज आप यहां पर से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया और ये कब चलाया हुआ, कब से कब तक इस कैंपेन को चलाया गया। यहाँ पे है सरपंच पंचायत रिप्रेजेंटेटिव शुड परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विलेज डेवलपमेंट। ये एक नेशनल पंचायत अवार्ड दिया जाता है जो पंचायत उत्कृष्ट काम करती है, जो पंचायत सबसे अच्छा काम करती है पंचायत को तरक्की करने में, उस पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड हर साल दिया जाता है। और इस बार के हमारे पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये अवार्ड इस बार गया है कपिलो पंचायत, ये पंचायत का नाम याद रखिएगा, कपिलो पंचायत, इनकी मुखिया है इंदु देवी को ये प्राइज गया है, जिसका प्राइज मनी है 12,00,000 रुपीज। और खासकर इस इंदु देवी मुखिया की इतना बड़ा नाम है कि इन्होंने ऑलरेडी 2 से ज्यादा प्राइज जीत चुकी है इसी क्षेत्र में, पंचायत को तरक्की कराने के क्षेत्र में, ज्यादा साफ सफाई करने के क्षेत्र में, मतलब पंचायत के क्षेत्र में इन्होंने ऑलरेडी 2 प्राइज जीत चुके हैं और ये उनका 3रा प्राइज हो चुका है। यानी कि कभी मौका मिले तो कपिलो पंचायत जाके आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसे वहां पे काम कर रही हैं। तो ये न्यूज आपके लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो सकता है एसएससी एग्जाम के लिए कि कौन से पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड इस बार दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर को बनाया जा रहा है, और वो कहां बनाया जा रहा है, ट्राइबल विलेज है छुलियू जिसका नाम है, छुलियू एक ट्राइबल विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर बनाया जा रहा है। तो चूंकि अरुणाचल प्रदेश को एक बार मैं मैप में दिखाई देता हूं आप लोग, अरुणाचल प्रदेश आज काफी ज्यादा मैप डिस्कशन हो गया था इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश, चलिए ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने तेलंगाना का मैप मैंने जहां डिस्कस किया था वहीं मैं डिस्कस करता रहा। इसकी राजधानी है ईटानगर, नेबरिंग स्टेट असम, नागालैंड और नेबरिंग कंट्री भूटान, और ऊपर कौन सा है, तिब्बत। तो ये आपने मैप में देख लिया कहां पे अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अब अपने न्यूज की तरफ। तो इस न्यूज से बस इतना आप याद रखिएगा कौन से विलेज में, अरुणाचल प्रदेश के किस विलेज में फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये विलेज का नाम है छुलियू। 4th edition ऑफ नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जीएम के द्वारा, और जिसको साथ एसोसिएशन किया जा गया है वो है एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, और इस बार का थीम है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। यानी कि एक बार फिर से इस न्यूज को देख लेते हैं,
नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कंक्लेव, यहां क्या होता है कि काफी सारे बायर्स सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं पीएसयू से, गवर्नमेंट एजेंसी से, कैसे उनको बढ़ावा मिल सके इस बात पे वो लोग डिस्कस करते हैं, यही होता है हमारा नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कंक्लेव में। तो ये फोर्थ एडिशन होने वाला है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा इन एसोसिएशन विद CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की सॉरी, तो इस बार का थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो थीम है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोर्थ एडिशन का थीम क्या है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टुवर्ड्स एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने नीट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए बोला है, क्विट इंडिया गोल्स को मिलने के लिए, क्विट इंडिया गोल्स को सही साबित करने के लिए उन्होंने बोला नीट इंडिया मूवमेंट। और ये नीट इंडिया मूवमेंट क्या है, हम लोगों को एक इंटीग्रेटेड नेशन बनाना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं है, जातिवाद धर्म को ये सब चीज को बढ़ावा नहीं देना है, हम लोगों को एक साथ मिलकर एक कंट्री मिलकर इंटीग्रेटेड रूप में जो भी इविल फोर्स है जो कि हमारे देश पे बुरी नजर रखते हैं उसके खिलाफ लड़ना है, एक डिफेंस तैयार करना है। तो ये कॉल किसके द्वारा दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। इसका नाम क्या है, नीट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट का नाम आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज लेक्चर लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, बट लेक्चर लेट हुआ इस चक्कर में मैंने काफी ज्यादा न्यूज को कवर कर दिया है, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो से हो, पीआईबी से हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से हो, मैंने सभी जगह से न्यूज को कलेक्ट किया है यहाँ पे, और द हिंदू हमारा रहता ही रहता है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, हमें सपोर्ट करना है, तो फिर आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए इनफैक्ट कि दोस्तों के साथ ही सिर्फ नहीं, ये जो लोग थोड़ा सा सोशल हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें भी करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी जरूर रहनी चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। हम लोग कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे, इस टाइम पे नहीं, कल हम थोड़ा सा पहले मिलेंगे आपके करंट अफेयर्स के रेगुलर टाइमिंग पे लेक्चर को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।